तो हमारा दिन का शुरुआत कुछ इस तरह होता है कि हम सुबह सुबह तो सोते रहते हैं। सुबह उठने के बाद लगभग 7:30 बजे करीब में मैं सो के उठा था। फिर मैंने जैसे ही बेड से उठा तो मैं सोचा थोड़ा बाहर का नज़ारा देखा जाए, तो मैंने बाहर जाके देखा तो धूप बहुत ही आ चुका था, 7:30 बज गए थे लगभग। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सो के उठ चुका हूँ। अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, तो 7:30 बजे मैं आज लेट से उठा हूँ सो के। उसके बाद अब जा रहा हूँ ब्रश करने, और कुछ का नाश्ता होगा तो नाश्ता करेंगे। फिर उसके बाद कुछ थोड़ा देर पढ़ाई लिखाई करेंगे। फिर तो नाश्ता वास्ता करने के बाद, नहाने वाने के बाद मैं सीधा बैठा पढ़ने के लिए। लगभग 9 बज रहे तो हाँ, फिर 9 बजे से लेकर मैंने लगातार 12 बजे तक पढ़ाई की। तो उसमें मैंने छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ा, और फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास मैंने खान सर का अटेंड किया जियोग्राफी का। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ पढ़ रहा हूँ। तो छत्तीसगढ़ पढ़ने के बाद मैंने ऑनलाइन क्लास अटेंड किया। उसके बाद अगर मेरे को कहीं जाना होना रहता है तो शाम को लगभग मैं 8 बजे के बाद जाता हूँ, क्योंकि 2 बजे से 8 बजे तक मेरा लाइब्रेरी रहता है, तो मैं लाइब्रेरी में रहता हूँ। उसके बाद ही मेरे को कहीं जाने को टाइम मिलता है। ज़्यादातर मेरे को घूमने का टाइम तो मिलता नहीं है। तो मैं लाइब्रेरी से आने के बाद 8 बज जाता है। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद अपना बनाते बनाते हम लोग को टाइम हो जाता है, तो आधा रात को कहाँ जाएंगे घूमने। तो फिर उसके बाद हम खा पी के थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने क्लास अटेंड किया जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में मैंने 4 स्टेप सर ने हमें पढ़ाए जियोग्राफी के, तो पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र और तटीय क्षेत्र हमने पढ़ा जियोग्राफी के बाद। फिर उसके बाद जियोग्राफी मैंने लगभग 1 घंटे का क्लास था उनका, तो क्लास मैंने अटेंड किया। सर का क्लास करने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि उनका पढ़ने का पढ़ाने का सॉरी पढ़ने में बोल दिया पढ़ाने का अंदाज ही कुछ अलग है। ये ऐसा पढ़ाते हैं कि डाउट रहता ही नहीं बच्चों को, तो उनको मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है इनका क्लास करना। तो मैंने आज जैसे अभी इसके बाद पढ़ा, जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, उसके बाद फिर कल क्या बोलते हैं पॉलिटी भी पढ़ना है मेरे को। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका बहुत से क्लासेस हैं जो मैं अटेंड करता हूँ। फिलहाल तो ये जो एक ही दो सब्जेक्ट इनका जो सब्जेक्ट है जो मेरे सब्जेक्ट में हेल्प करता है, बाकी तो ये बिहार वहार से UPSC के पढ़ाते हैं। तो मेरा तो UPSC नहीं है, मेरा नॉर्मल छत्तीसगढ़ PSC का एग्ज़ाम का तैयारी मैं कर रहा हूँ, तो ही पढ़ता हूँ मैं, तैयारी करता हूँ। तो ज़्यादातर मेरे को छत्तीसगढ़ पे ध्यान देना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ टोटल 50 नंबर के आते हैं, 150 क्वेश्चन में बोले तो 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं CGPSC में, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, और CSET के Part 1 पेपर में है ये। टोटल 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन सीजी को जाते हैं, बाकी 100 क्वेश्चन और सब बाकी सब्जेक्ट रीजनिंग मैथ छत्तीसगढ़ी बोली और हिंदी से मिला कर आते हैं। तो क्लास मेरा फिलहाल ख़त्म होने वाला था, तो क्लास ख़त्म होने के बाद मैंने खाना वाना बनाया। खाना वाना बनाते हुए मुझे कुछ टाइम हो गया। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद मैंने खाना खाने बैठा और खाना खाया। तो जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया, जैसे सब्जी और चावल बनाया था मैं। फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मेरा लाइब्रेरी का टाइम हो जाता है, तो मैं 2 से 8 बजे तक लाइब्रेरी जाता हूँ। तो मैं लाइब्रेरी चला गया, तो लाइब्रेरी से आने के बाद हमारे दोस्त बोल रहे थे क्या चिकन खाने का प्लान है, तो चिकन वकन बनाया हम लोगों ने, रोटी बनाए, रोटी के लिए आता मैंने गुनता। फिर हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने रोटी बेले, फिर उसको सेके। फिर उसके बाद हमारे एक और दोस्त थे परवेश, जिनका नाम है, उन्होंने यहाँ पे चिकन बनाया, बहुत ही बेहतरीन चिकन बनाते हैं ये, हमारे सेफ से भी इनको फेल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने खाना वाना खाया, फिर उसके बाद कुछ देर और पढ़ाई की, फिर उसके बाद हम सोने के लिए चले गए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।